ध्यान दीजिए, जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट पार्ट के वीडियो में यहां तक कैलकुलेट कर दिया था। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं प्री पीरियड का महीना निकाला। प्री पीरियड में 33 महीना होता है, 33 मंथ्स। इस 33 मंथ का अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 1 लाख का 10% पूरे साल का 10,000 होता है। वो 10,000 को 33 महीने का निकालना है, जितने महीने का निकालना है उसको मल्टीप्लाई करते हैं और 12 से हम लोग डिवाइड करते हैं, 33/12, ठीक है। तो 33/12 तो आएगा 27,500। अब पहला क्वेश्चन जो मन में उठता है कि प्री पीरियड का इंटरेस्ट क्यों निकाल रहे हैं, तो पहले हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बाद में इसके आगे का रूल पढ़ाएंगे। भाई बात ऐसा है, कि इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एनएवी से माइनस किया जाता है। क्यों माइनस किया जाता है, रीजन क्या है कि जिस प्रॉपर्टी से आप कमा रहे हैं नेट एनुअल वैल्यू, जिस पे गवर्नमेंट टैक्स लेना चाहता है, गवर्नमेंट उस नेट एनुअल वैल्यू में से अगर आपका कोई खर्चा लग रहा है तो उसको माइनस करवा देना चाहता है। इसीलिए गवर्नमेंट आपको 30% का अलग से छूट देता है। वो 30% क्यों देता है वो ही बताऊंगा। अंडर सेक्शन 24A, थर्टी परसेंट ऑफ एनएवी का छूट मिलता है। वो इसलिए मिलता है कि कोई भी मकान मालिक अपने जो घर को भाड़े पर दिया है उससे उसका उसमें कुछ भी खर्चा हो रहा हो, रिपेयरिंग खर्चा, अरे मान लो कि मैं मकान मालिक हूँ, मेरा घर है, मैंने भाड़े पर दे दिया किसी को, तो अंदर टूटेगा फूटेगा तो मकान मालिक को बनाना पड़ेगा, टेनेंट थोड़ी बनाएगा। तो मकान मालिक का टूटने फूटने रिपेयरिंग का खर्चा है, उसके लिए गवर्नमेंट उसको 30% छूट दे रहा है कि भैया गवर्नमेंट को लगता है कि जितना कमाता है मकान मालिक उसका 30% वो वहाँ के रिपेयरिंग और वहाँ के मेंटेनेंस पे खर्चा करता है। इसीलिए क्वेश्चन में अगर रिपेयरिंग मेंटेनेंस लिखा रहता है तो वो अमाउंट को आप लोग इग्नोर मार देते हैं, रिपेयरिंग खर्चा इग्नोर, रेंट मिसलेनियस खर्चा इग्नोर, मेंटेनेंस खर्चा इग्नोर, कोई खर्चा नहीं लिखते। वो सबके बदले में गवर्नमेंट 30% का छूट देता है। कितना परसेंट का छूट देता है, 30%। तो नेट एनुअल वैल्यू का 30% का आपको छूट ऐसे ही दे दिया गवर्नमेंट, है ना, क्या खर्चे के लिए। दूसरा एक ऐसा खर्चा है जो लोन लेने पर लगता है, जो बैंक में, बैंक से आपने लोन लिया और घर बनाया, तो बैंक से लोन लेकर आपने घर खरीदा है या बैंक से लोन लेकर घर बनाया है या बैंक से लोन लेकर रिपेयरिंग कराया है तो उस लोन का ब्याज लग रहा है। तो एक मकान मालिक इनकम कर रहा है उसमें उसी में से ना ब्याज दे रहा होगा, तो जो ब्याज दे रहा है वो एक्सपेंडिचर है, तो वो ब्याज उसका एक्सपेंडिचर है, इसलिए गवर्नमेंट उसको उस पर अंडर सेक्शन 24B का डिडक्शन देता है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि एक मकान मालिक के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंडिचर है। क्या है, एक्सपेंडिचर, और वो एक्सपेंडिचर इनकम से माइनस किया जा रहा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B का। तो भैया घर जब पूरा रेडी हो गया, रेडी होने के बाद हर साल आप इंटरेस्ट देंगे, हर साल आप माइनस करेंगे, लेकिन घर रेडी होने के पहले यानी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले यानी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में, कंस्ट्रक्शन होने के पहले के पीरियड को प्री कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में जो इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड कर चुके हैं हम, जैसे कि 33 महीने का प्री पीरियड का इंटरेस्ट 27,500, 33 महीने का 27,500 जो पेड कर चुका है मकान मालिक, वो उस समय माइनस तो हुआ नहीं होगा, क्योंकि टूटा फूटा घर में या मान लो आधा बना घर तो भाड़े पर नहीं दे सकता। तो जब तक बिल्डिंग रेडी नहीं होगी तब तक आप भाड़े पर नहीं दे पाएंगे, और जब तक भाड़े पर नहीं दे पाएंगे तब तक इनकम चालू नहीं होगा। यानी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन होने के पहले या फ्लैट के कंस्ट्रक्शन होने के पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में सिर्फ ब्याज ही दे रहे हैं हम बैंक को, लेकिन इनकम कुछ हो रहा नहीं है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में इनकम होता नहीं, तो इनकम नहीं होता है तब तो ये इंटरेस्ट लोन भी माइनस नहीं हुआ होगा। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट जो मैंने पेड किया है 27,500, लेकिन उसको प्री पीरियड में माइनस नहीं कर पाए ड्यू टू, क्योंकि इनकम चालू ही नहीं हुआ था, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट ही नहीं होता था। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में नो इनकम, तो ये लेकिन इनकम नहीं था, लेकिन ये खर्चा तो लग रहा था ना, ये 27,500 ब्याज तो देना पड़ रहा था बैंक को। बैंक तो नहीं वो मानेगा कि भाई आपका घर कंप्लीट नहीं हुआ हम आपसे ब्याज नहीं लेंगे, नहीं, बैंक वाला अपना ब्याज हर महीने के महीने, साल के साल, जो भी क्वार्टरली या एनुअली या मंथली ले रहा है। तो 33 महीने का ब्याज मैंने बैंक को दिया, लेकिन ये एक्सपेंडिचर जो मेरा 27,500 लगा उस समय मेरा इनकम कुछ नहीं था। इसलिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो ब्याज लगा है उसको डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 5, याद रखिएगा गवर्नमेंट ने रूल बनाया इसको डिवाइड बाई 5 किया जाएगा, डिवाइडेड बाई 5। सत्ताईस पांच सौ
प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट डिवाइड बाई 5, 27,500 डिवाइड बाई 5, ये रहा 27,500 मेरे कैलकुलेटर में, 27,500 डिवाइडेड बाई 5, 5,500 रुपया। ये 5,500 पोस्ट पीरियड में, जिस साल से पोस्ट पीरियड चालू हुआ था, मैं आपको बताता हूँ पोस्ट पीरियड कब चालू हुआ था, जहाँ प्री खत्म हुआ था। प्री खत्म हुआ था 31 मार्च 2017 को, मतलब 1 अप्रैल 2017 से पोस्ट चालू हुआ, यानी 2017 अप्रैल से पोस्ट चालू हुआ। तो ये 5,500 रुपये करके अगले 5 साल तक, नेक्स्ट 5 ईयर तक, एक एसएससी, एक मकान मालिक, एसएससी मनी टैक्स देने वाला ये मकान मालिक अपना प्री इंटरेस्ट बोलकर माइनस कर सकता है, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन जो अंडर सेक्शन 24B में माइनस होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, उसमें दो तरह का आप इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर सकते हैं। एक, घर बनाने में जो आपका ब्याज लग रहा है वो हर साल के, हर साल का जो ब्याज है वो ब्याज, और दूसरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का ब्याज अगले 5 साल तक, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके अगले 5 साल तक। एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन 2017 में, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, बस 17, 18, 19, 20, 21, 22 हर साल 5,500 बोलकर, प्री इंटरेस्ट बोलकर आप माइनस कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या, करते ही हैं लोग, यानी मैं रूल अब पूरा बोलता हूं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में नेक्स्ट 5 ईयर तक, फ्रॉम द डेट ऑफ पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड नेक्स्ट 5 ईयर तक डिडक्ट किया जा सकता है एज पर अंडर सेक्शन 24B। तो प्री पीरियड का इंटरेस्ट भी पोस्ट पीरियड में नेक्स्ट 5 ईयर तक, फ्रॉम द डेट ऑफ पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड उसके अगले 5 साल तक आप डिडक्ट करेंगे कंसेक्यूटिवली। गॉट इट, ये दिमाग में बैठा लीजिए और मैं अभी डिडक्ट करके आपको दिखाऊंगा, आप एकदम चिंता ना करें। तो ध्यान रखिएगा, प्री पीरियड का इंटरेस्ट पोस्ट पीरियड में कैसे माइनस होता है। तो पहले प्री पीरियड का इंटरेस्ट निकालो, उस प्री पीरियड का इंटरेस्ट को कैलकुलेट करो, उसके महीने को कैलकुलेट करके उतने महीने का इंटरेस्ट निकालो, उस इंटरेस्ट को डिवाइड बाई 5 करो, और वो जो इंटरेस्ट अमाउंट आएगा, जैसे यहाँ 5,500 रुपये आया है, वो पोस्ट पीरियड से, जिस दिन पोस्ट पीरियड चालू हुआ उससे अगले 5 साल तक, यानी 1 अप्रैल 2017 से चालू हुआ है, तो 17-18 ईयर से लेकर 5 साल तक, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, अगला 5 साल तक ये 5,500 माइनस किया जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में प्री इंटरेस्ट ऑन लोन बोलकर। क्या बोलकर? प्री इंटरेस्ट ऑन लोन, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन। गॉट इट, आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो मैं एक और चीज आपको दिखाऊंगा, कॉपी कर लीजिए, मैं बगल में मिटा देता हूँ, क्वेश्चन तो कॉपी हो चुका है, ये इतना मिटा देता हूँ, मिटा रहा हूँ। एक चीज दिखाना बहुत जरूरी है, तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। भैया देखिए, मैं लिखूंगा प्रीवियस ईयर, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन और टोटल। तो भैया 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। अब आप बोलेंगे अब 22-23 तक क्यों लिखे, नहीं बोलिए, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B एटलीस्ट फॉर 6 ईयर। तो पोस्ट पीरियड से चालू होता है ये 6 ईयर, पोस्ट पीरियड जिस दिन चालू है उससे अगले 6 साल तक, है ना। मैंने 6 साल तक क्यों निकालने बोला हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ कि भैया 17 से लेकर 21-22 तक 5,500 माइनस होगा पुराने साल का ब्याज, 5,500, 5,500, 5,500। गॉट इट, रहा 5,500 छठे ईयर में होगा, तो जिस साल नहीं होगा उसको दिखाने के लिए छठा ईयर, इसलिए लोग 6 साल में दिखाते हैं। तो भैया 17, 18 से लेकर 21, 22 तक ये 5,500, 5,500, 5,500 माइनस होगा, क्योंकि ये 17, 18 का पहले का ब्याज है,
तो 17-18 के पहले का प्री कंस्ट्रक्शन का ब्याज 17-18 से लेकर अगले 5 साल तक माइनस किया जा सकता है। और क्या आपने लोन रिपे किया है? नहीं, आपने लोन तो रिपे किया नहीं है। तो अगर आप लोन रिपे नहीं किए हैं तो हर साल 1,00,000 का 10% 10,000 रुपया आपका पोस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, वो हर साल के हर साल 6%। क्लियर हुआ? और ये पोस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? आपने तो 16-17 तक का ये ब्याज कैलकुलेट किया है, अब क्या 17 का मार्च में 31 मार्च तक का ये ब्याज कैलकुलेट हुआ है 27,500 जिसका 5,500 आया था, तो 31 मार्च तक का ही ब्याज नहीं निकाला आपने। 31 मार्च 17 के बाद क्या लोन रिपे किया? नहीं किया, अभी तक लोन रिपे नहीं किया। मतलब 1 अप्रैल 17 से भी लोन चली गए, तो हर साल का जो हर साल आप ब्याज पे करते हैं, हर साल का जो हर साल ब्याज कैलकुलेट करके आप पे करते हैं या आउटस्टैंडिंग आपका रहता है उसको बोलते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के बाद हर साल का जो ब्याज होगा उसको पोस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन बोलेंगे, और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के पहले का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उसको प्री इंटरेस्ट बोलेंगे, और वो प्री इंटरेस्ट पोस्ट पीरियड से लेकर अगला 5 साल तक माइनस किया जाएगा। गॉट इट? और हर साल का ब्याज तो हर साल हम दे ही रहे, तो ये हम हर साल जो ब्याज दे रहे हैं वो ब्याज है, और ये ब्याज 17-18 के पहले का ब्याज है। पहले का ब्याज जो पहले माइनस नहीं हुआ था तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि भाई 17-18 के पहले का जो ब्याज है, प्री पीरियड का जो ब्याज है, वो पोस्ट पीरियड में अगला 5 साल तक माइनस होगा। यानी मैंने 17-18 में दिया है 10,000 इंटरेस्ट, लेकिन मैं ब्याज माइनस करूंगा 15,500। क्यों? क्योंकि 5,500 रुपये मैंने पहले ब्याज दे दिया है जिसका डिडक्शन मेरे को नहीं मिला था, इसलिए 17-18 से मैं डिडक्शन ले रहा हूँ। 55,500, 55,500, 55,500, 5 साल तक 55,500 और छठा ईयर 10,000। बट इट श्योर कमन में आया। और सेकेंड क्वेश्चन उसके साथ ही क्लियर हो गया कि 19-20 में मैंने कितना इंटरेस्ट ऑन लोन दिया। 19-20 में मैंने 55,500 इंटरेस्ट ऑन लोन दिया। इसका आंसर 55,500 ये आंसर। क्लियर हुआ? तो ये नॉर्मल सेंस में ये अलग से भी आ जाता है, अलग से भी एक सेंस बोल के आ जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन में, और कई बार उसमें क्या बोलते हैं क्वेश्चन के साथ भी आ जाता है। तो क्वेश्चन के साथ पहले पूरा क्वेश्चन निकालो, फिर वर्किंग नोट में प्री पीरियड निकालो, प्री पीरियड का इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट को डिवाइड बाई 5 करो, फिर ऐसे दिखाओ पोस्ट पीरियड से लेकर अगला 5 साल तक हर साल का पोस्ट दिखाओ, और हम जो प्रीवियस ईयर का बनाना चाहते हैं उस प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन बोलकर डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 24B लिखकर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यानी अगर इस साल का आप पूछेंगे आपसे कि कितना इंटरेस्ट माइनस होगा तो 55,500 माइनस होगा प्रीवियस ईयर 92। आशा करते समझ में आया होगा। कॉपी करते रहिए, जल्द से जल्द कॉपी करिए। बुक का एक क्वेश्चन करके दिखाए थे, क्योंकि बुक का एक क्वेश्चन कर लेने पर कॉन्फिडेंस आ गया था मन में कि हाँ ये इंटरेस्ट होना मुझे ही होगा। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन आया किसी के पास नहीं है तो कॉपी कर ले, ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है तो कॉपी कर ले, क्वेश्चन है तो बुक निकाल ले, पॉज करके कॉपी कर लीजिए। आशा करते हैं कॉपी हो गया होगा आप लोग का, हटा रहा हूँ। चलिए सर नंबर 16 में बोला है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द असेसमेंट ईयर 15, 16, 17, 18, 19, 20। गॉट इट? चलिए इसमें मैं असेसमेंट ईयर भी आप लोगों को बता दूंगा, कई लोगों को असेसमेंट ईयर का मतलब नहीं मालूम है, फिर पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो उसके बाद बोर्ड पूछा जाए।